नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों को स्वागत करता हूं हमारे आज के इस वीडियो में। तो ये वीडियो खासकर बिगिनर्स लोगों के लिए है। हम इस वीडियो में दिखाएंगे कि आज हम प्रॉपरली हम पेंसिल्स को कैसे शार्प करें। शेडिंग करने में काफ़ी दिक्कत होती है। अगर स्मूथ स्किन टेक्सचर बनाना चाहते हो तो पेंसिल काफ़ी शार्प होना चाहिए और उस हिसाब से होना चाहिए ताकि हम अच्छे से ब्लेंड करें और कहीं पर बीच में जो है खरोच ना दिखे। इस तरह से हम शार्पनर से भी शार्प कर सकते हैं, पर उससे हम अगर शार्प करके अगर शेडिंग करते हैं तो वैसा टेक्सचर नहीं बन पाता है। इसलिए आपको शार्प करने भी सही से आना चाहिए। तो आपको शार्प कैसे करना चाहिए, तो मान लो ये जो पेंसिल है, हम लोग क्या करते हैं, जो ब्लेड होता है हम इस तरह से शार्प करते हैं। तो ये बिल्कुल रॉन्ग तरीका है। आपको इस तरह से नहीं, आपको पेंसिल का ये जो लीड है वो आपके सामने की तरफ होना चाहिए। उसके बाद आपको यहाँ से पहले तो आपको बिल्कुल पतली पतली जो है इस तरह से लेना चाहिए इसका, और इस तरह से आपको धीरे धीरे करके इस तरह शार्प करना है। एक बार में इतना ज़्यादा ना मत लेना, तो क्या होगा पेंसिल टूट सकती है, इसलिए आपको थोड़ा थोड़ा ही लेना है। इस तरह से आपको शार्प करते जाना है। और दूसरा भी तरीका मैं दिखाऊंगा आपको कैसे करना चाहिए। आपको यहाँ पे ज़्यादा प्रेशर अप्लाई मत कर देना है, थोड़ा सा भी ज़्यादा प्रेशर हो जाए तो ये जो लिप टूट सकती है। तो बिल्कुल लाइटली जैसे मैं रख रहा हूँ उस हिसाब से आपको करना है, नहीं तो थोड़ा भी इधर उधर हुआ तो पेंसिल आपका टूट जाएगा। अब इसे करते करते आपका पूरा पेंसिल खत्म हो जाएगा, आपका जो लिप जितना जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हो पाएगा। उसके बाद इस तरह से आप इसके ऊपर थोड़ा हल्का हल्का सा जो है इस तरह से खरोच सकते हैं ताकि ये पूरा शार्प जो है शार्प हो जाए, रॉकेट की तरह दिखने लगे। आउटलाइन ड्रॉ करना है तो इस तरह से शार्प हो जाएगा। इससे भी आप कर सकते हो, आउटलाइन ड्रॉ करने के लिए काफ़ी अच्छा होगा। पर आपको जो शेडिंग करना है तो आपको इस तरीके से शार्प करना है, या फिर और अच्छे से शार्प कर सकते हो, पर मैंने यहाँ पे इतना ही दिखाया है। इसको भी शार्प करना है तो आप ये मैंने शार्प किया है, तो आपको इससे अगर इसको भी शार्प करना है ताकि हम अच्छे से ब्लेंड कर सकें, स्मूथ शेडिंग बना सकें, तो आपको आपको यहाँ पे इसको शार्प इस तरह से करना है। और भी ज़्यादा रख सकते थे, मैंने इतना ही रखा लिट, और ये लिट टूट चुका है, फिर भी मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को। इस तरह से भी कर सकते हैं या फिर इस तरह से भी वो शार्प कर सकते हो। तो यही तरीके से आप भी अच्छा शेडिंग कर पाओगे, स्मूथ टेक्सचर भी बना पाओगे। तो आई होप जो मैंने दिखा वीडियो में आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय सियाराम।